Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. So, if you are new to my channel, hi, my name is Sonia Bhutika and I post videos related to makeup, DIY, lifestyle, and also I'm liking food videos. So, I also post videos related to food. And if you don't follow me on my Insta, this is my Insta handle. So, make sure you go and follow me there. And now, let's jump into this video that is how to make transition videos. सो so, मैंने बहुत जन से सुना है कि ट्रांजिशन वीडियोस इजी नहीं होते हैं दे आर टफ टू मेक एंड या दे आर टू टाइप ऑफ पीपल जिसको आता है जिसको नहीं आता है और किसी किसी को तो समझ में नहीं आता कि इसमें होता क्या है सो so, मेन होता है इसमें ट्रिक इफ़ यू नो द ट्रिक of Transitions, then you can easily make them. So, yeah, I will show you my whole process of how I make, how I shoot, how I edit. So, this video is long, so we will make the intro short and we will not much. And also, if you want to see my transition videos, so obviously, you need to go and follow me on my Insta. So, make sure you do that. एंड ऑल्सो मैं इंट्रो भी नेचुरल एक्ट में शूट करी हूँ ताकि एक वीडियो में एक फ्लो बना रहे एंड आपको पता चले कि नेचुरल एक्ट का क्या पावर होता है बिकॉज आर्टिफिशियल लाइट्स आर गुड ऑब्वियसली दे आर बेस्ट बट नैचुर लाइट के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो इफ़ यू आर बिगनर एंड यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट ऑन दैट बिग लाइट्स तो आप नेचुरल लाइट में बहुत अच्छा वीडियो शूट कर सकते हो सो आई ऑल्सो डू दैट एंड आई शूट माई ईच एंड एवरी वीडियो नॉट ईच एंड एवरी वीडियो बट मोस्ट ऑफ माई वीडियो आई शूट ऑन माई नेचुरल लाइट्स तो यस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई वॉन्ट टू से यू समथिंग अबाउट ट्रांजिशन वीडियोज़ की ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग पर तो रखना ही पड़ेगा वेन यू आर शूटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ की जो ट्रांजिशन हो रहा है उस पार्ट की आगे का क्लिप एंड बात का क्लिप आपको एकदम सेम रखना पड़ेगा एंड एकदम सेम रखना पड़ेगा एंड सेम प्लेस में मेक श्योर sure कि आपका हाथ एंड पैर इवन यू वैर यू आर स्टैंडिंग द कैमरा पोजीशन एवरीथिंग इज सेम ताकि वो एक स्मूथनेस रहे वीडियो में एंड आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में आजकल लोग ट्रांजिशन ब्लॉग्स में भी यूज़ करते हैं विच मेक द व्लॉग लुक सो प्रोफेशनल लाइक क्लिक हो गया स्वाइप हो गया लाइक like छोटा छोटा ऐसा ट्रांजिशन करके इट मेक्स द ब्लॉग लुक सो इंटरेस्टिंग सो अब हम बहुत बात कर चुके हैं एंड अब हम जल्दी से चलते हैं आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे शूट करती हूँ अपना ट्रांजिशन वीडियोज़ एंड वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बता दियो तो यहाँ पे मुझे बताना नहीं पड़ेगा तो आप वो देख लो एंड आपको समझ में आ जाएगा सो so गाइस as you know today i am going to share how i shoot my transition videos so this is my cute setup this is a photo stand that i use as my reel stand or short stand and this is a big window my source of light and here i put my chair तो मैं यहां बैठ के अपना सारा shoot करती हूं एंड दिस इज आई शूट मोस्ट ऑफ माई वीडियोज क्यूँकी यहाँ पे लाइट बहुत अच्छा आता है एंड मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बात रहा मेकअप वीडियोज का तो मैं अलग उसका सेटअप करती हूँ लाइक रिंग लाइट लगा के अच्छे से सेटअप करती हूँ बट बट ऐसे तो मुझे ये चल जाता है एंड तो ये एक शोकेस है जिसे मैं एज अ स्टैंड यूज करती हूँ बिकॉज मेरे पास कोई भी रील स्टैंड नहीं है एंड दिस इज अ डब्बा लाइक नॉर्मल डब्बा एंड इसके ऊपर मैं वापस से वही स्टैंड स्टैंड करती हूँ लाइक फोटो स्टैंड मैं स्टैंड कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं अपना फोन रख देती हूँ एंड जैसे कि आपने आप यहाँ बी टी देख चुका है यू नो कि हाउ आई शूट माई वीडियोज विथ लाइट इट रियली टेक्स टाइम इट टेक्स एफर्ट एंड जैसे कि मेरे पास स्टैंड नहीं है कोई अच्छा ट्राईपॉड नहीं है फॉर कीपिंग द फ़ोन तो मैं ऐसे स्टैंड यूज़ करती हूँ एंड जो भी सामान रहता है घर पे मैं उसे यूज़ करती हूँ एज माई प्रॉप सो दैट्स हाउ आई शूड एंड ऑब्वियसली इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग आप कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके कर सकते हो इट रियली डोंट नीड एनी हाई फाई इक्विपमेंट्स इफ़ यू वॉन्ट यू कैन तो या yeah. एंड अब हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे एडिट करते हैं विद जस्ट टू एप्स एंड समटाइम्स थ्री बट मोस्टली मैं टू ऐप से एडिट करती हूँ एंड वो हो जाता है पूरा अच्छे से फर्स्ट ऐप में हम नॉर्मल एंड बेसिक एडिटिंग करते हैं लाइक स्प्लिट हो गया मर्ज हो गया वो सब हम करते हैं एंड नेक्स्ट वाले में हम लाइक थोड़ा सा जूम जूम वाला इफ़ेक्ट देते हैं लाइक थोड़ा नहीं होता ऐसे ऐसे पॉप अप होके आता है एंड थोड़ा हिल के आता है पता नहीं ऐसे वैसे आता है लाइक थोड़ा इफेक्ट आता है उस समय में तो मैं उस ऐप से यूज़ करती हूँ एंड या आप देख लो कि मैं कैसे एडिट करती हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम तो आप प्लीज़ अच्छे से देखना एंड ध्यान से सुना कि मैं कैसे करती हूँ तो सबसे पहले ये ऐप खोल लो दैट इज़ वेलो एंड उसके बाद जस्ट एक्सपोर्ट योर वीडियोस दैट यू हैव टू एडिट तो ये हो गया हमारा क्लिप एक्सपोर्ट एंड आप देख सकते हो कि फ़र्स्ट क्लिप में मैं कुछ क्लिक जैसा कर रही हूँ क्लिक ट्रांजिशन तो इसके लिए वही मैंने फ़र्स्ट पर एक क्लिप लिया जिसमें मैं क्लिक कर रही हूँ एंड उसे स्प्लिट कर लिया मैंने एंड आई एम जस्ट सीइंग हाउ द क्लिप लुक्स लाइक एंड हमें वही पोजीशन में उसे स्प्लिट करना है जहाँ से हमें नेक्स्ट क्लिप ऐड करना है तो मैं बस क्लिक का वेट कर रही हूँ कि वहाँ पे एक सेम पोजीशन आ जाए एंड अब मेरा स्किन केयर अपीयर हो गया है तो अब हम ऐसे क्लिक करेंगे एंड ऐसा लगेगा कि स्किन केयर आ गया है एंड दूसरा वाला जो हमारा ट्रांजिशन है वो मैं हाथ को ऐसे मूव कर रही हूँ एंड लाइक अ स्वाइप मोशन एंड ऐसा लगेगा कि मेरा फेस वॉश हो गया है तो वो मैं कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो कि मैं हाथ को एकदम एक ही पोजीशन में रखने वाली हूँ लाइक मेरा हाफ फेस कवर्ड रहेगा वैसे लाइक यहाँ तक यस एंड मैं इसे स्पिट कर लूँगी एंड नेक्स्ट वाले क्लिप में मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी जैसे कि आप देख रहे हो अभी आपको हर बार बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि आगे का क्लिप एंड बाद का क्लिप एक ही पोजीशन में हो मैं ये बात आपको दो तीन बार बोल चुकी हूँ एंड यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है जैसे कि आप देख रहे हो मैं बस स्प्लिट कर रही हूँ एंड ऐड कर रही हूँ एंड उसी से इतना स्मूथ लग रहा है क्योंकि मैं पोजीशन एंड कैमरा एंगल सब सेम है बस यही होता है ट्रांजिशन में आप बस एक जगह बैठ के पूरा वीडियो बनाओ आपको पता भी नहीं चलेगा कितना ईजी वो हो रहा है एंड नेक्स्ट वाले में मैं ऐसे हेयर फ्लिप वाला ट्रांजिशन कर रही हूँ तो सेम वैसे ही मैं अभी बाल खोलूँगी अपना बहुत ही गंदा सा मुंह लग रहा है मेरा ही ही बाल खोल लिया मैंने यहाँ पर एंड अब मैं भूत लग रही हूँ अब मैं बाल सामने कर ली एंड नेक्स्ट क्लिप में मैं बाल को ऐसे उठा के खड़ी हो जाऊँगी अब हम करेंगे छू वाला जिसमें हमारा मेकअप आ जाएगा क्योंकि मेकअप तो बहुत ज़रूरी होता है फेस के लिए तो ऐसे मैं अपने हाथ को ऐसे फेस में घुमा रही हूँ एंड देन छू छू करूँगी मैं उसे स्प्लिट करने के टाइम आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा एंड थोड़ा ये प्रेशर लगता है बहुत ही क्योंकि बहुत इसमें आग ऐसे गड़ा गड़ा के करना पड़ता है मुझे तो ऐसे करना पड़ता है पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है एंड अगेन आई एम सींग द होल वीडियो क्लिक क्लिक हो यू छू ये दैट वॉज क्यूट एंड यहाँ पे मैं ऐसे कट कर दूँगी क्योंकि अब हमें नेक्स्ट ट्रिप पे जाना है तो नेक्स्ट क्लिप के लिए मैं करूँगी अपना टॉप चेंज तो मैं कुछ इस तरह का ट्रेंडेंशन करी उसमें कि मैंने टॉप को ऐसे खींचा एंड वो हट गया एंड देन आई विल नॉट लाइक लाइकिंग दिस एंड मैं उसे ऐसे खींचूंगी अब अब आप देखो कि मेरा टॉप वाला ट्रेंडन कैसा लग रहा है ये इट वॉज क्यूट एंड नाउ जस्ट एक्सपोर्ट योर वीडियो नाओ ओपन दिस ऐप कॉल्ड वी एंड एंड इसमें हमें पहले तो ओबियसली वीडियो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जो हमने वेलो में बनाया था एंड नाव इसमें बस एक ही आपको काम करना है कि हमें इफ़ेक्ट डालना है ताकि वीडियो थोड़ा और अच्छा लगे एंड देखने में और थोड़ा एक्ट्रैक्टिव लगे तो मैं बस वही करूँगी मैथ स्प्लिट करूंगी, करूंगी जहाँ पर मुझे इफेक्ट डालना है एंड देन मैं बस एफेक्ट्स वाला ऑप्शन में जाकर इफेक्ट डाल दूँगी एंड जो भी आपको इफेक्ट पसंद आए जो भी आपका वीडियो के साथ थोड़ा थीम में जाए या थोड़ा फ्लो में जाए आप वो यूज करो एंड जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो इफेक्ट यूज करो एंड डाल दो एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट Click. And yeah, that's my final video, and I loved it. And now just export your video. And yeah, this is how I shoot my videos, my transition videos, and you can do it easily with your phone and your wala saman. तो या इफ आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना शेयर करना जिसको भी ट्रांजिशन वीडियोज़ बनाने में प्रॉब्लम हो एंड सबको कर देना इफ नहीं भी प्रॉब्लम हो तो कर देना एंड डोंट फाइगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड शेयर कर देना लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना, देना सारा काम कर देना एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन टेक केयर बाय बाई